दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। बीबीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रहेंगे अजय मिश्रटेनी। गेस्ट हाउस में सुनेंगे जनता की परेशानी। बाढ़ पीड़ित इलाकों पर अधिकारियों से करेंगे बैठक। लखीमपुर खीरी दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। बीबीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रहेंगे अजय मिश्रटेनी। गेस्ट हाउस में सुनेंगे जनता की परेशानी। बाढ़ पीड़ित इलाकों पर अधिकारियों से बैठक। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लखीमपुर खीरी दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बीबीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रहेंगे अजय मिश्रटेनी। गेस्ट हाउस में सुनेंगे जनता की परेशानी। बाढ़ पीड़ित इलाकों पर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आपके संयोजक और केजरीवाल का अयोध्या दौरा। अयोध्या से सबकी बड़ी खबर। आज और कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। अयोध्या दौरे से पहले स्वागत में लगाए गए पोस्टर। केजरीवाल का अयोध्या धाम में विरोध। अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पर पोती गई कालिख। पुराने बस अड्डे पर लगे पोस्टर में पोती गई कालिख। अयोध्या के संतों ने बताया काल नेमी एक्सीडेंटल हिंदू। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कहां कहां ऐसे पोस्टर देखे गए जहां पे कालिख लगा दी गई है केजरीवाल के पोस्टर पे? जी बिल्कुल शिखा, अयोध्या में अगर देखा जा रहा है तो इससे जिस दिन केजरीवाल का आने का टाइम निर्धारित हुआ था उसी दिन संतों ने यहाँ पे विरोध करना चालू कर दिया था। और वैसे आज अगर देखा जा रहा है तो अयोध्या के जो संत है इनका विरोध किया है। विरोध करने के बाद जो है यहाँ पे पोस्टर पे इनके कालिख लगी हुई है और कालिख पोती गई है, जिसको लेकर के यहाँ के अयोध्या के जितने भी संत हैं एक बार फिर आक्रोशित हुए हैं कि केजरीवाल को एक काल नेमी के रूप में नाम दे रहे हैं। जी, क्या वजह नजर आ रही है राघवेंद्र इस तरह से विरोध की केजरीवाल के? देखिए जैसे कि ये दिल्ली में की गवर्नमेंट है और दिल्ली की गवर्नमेंट को लेकर के जिस तरीके की बातें केजरीवाल ने वहां किया है हिंदू पत्रकारों के लिए और संतों के लिए, इसी चीज का ये यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की जगह यूपी में या अयोध्या में नहीं है और इनकी पार्टी वो आज यहाँ से सजा करना चाहती है जिस तरीके सभी पार्टियां। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे। तो इस तरह के पोस्टर अयोध्या पे देखे जा रहे हैं। आज अयोध्या जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके आगमन और स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए लेकिन इन पोस्टरों पे कालिख पोती गई। लखनऊ से सुल्तानपुर पेशी पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सुल्तानपुर से अयोध्या जाएंगे दिल्ली के सीएम। शाम 6 बजे आरती में हिस्सा लेंगे केजरीवाल। रात में अयोध्या विश्राम करेंगे केजरीवाल। कल सुबह रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल। रामलला के दर्शन के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लखनऊ से दिल्ली जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लखनऊ से सुल्तानपुर पेशी पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सुल्तानपुर से अयोध्या जाएंगे दिल्ली के सीएम। चली तबादला एक्सप्रेस। पीसीएस हनुमान प्रसाद बने एसडीएम लखनऊ। पीसीएस प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी बने एसडीएम सदर लखनऊ। पीसीएस जितेंद्र कुशवाहा अयोध्या एडीएम लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए। पीसीएस राम तुलारे पांडे एडीएम एफआर लखनऊ बने। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। पीसीएस हनुमान प्रसाद बने एसडीएम लखनऊ। पीसीएस प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी बने एसडीएम सदर लखनऊ। पीसीएस जितेंद्र कुशवाहा अयोध्या एडीएम लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए। पीसीएस राम तुलारे पांडे एडीएम एफआर लखनऊ बने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य डॉक्टर दिनेश शर्मा का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम होगा आयोजित। पंचायत भवन अलीगंज लखनऊ होगा कार्यक्रम। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे दोनों मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य डॉक्टर दिनेश शर्मा का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम होगा आयोजित। पंचायत भवन अलीगंज लखनऊ में होगा कार्यक्रम।
सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे दोनों मुख्यमंत्री। एक और प्रतिज्ञा, हम वचन निभाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस ने की प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी, कांग्रेस ने कहा सस्ते और अच्छे इलाज के लिए कांग्रेस ने किया घोषणा पत्र जारी। समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस की घोषणा, कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा 10 लाख तक इलाज। एक और प्रतिज्ञा, हम वचन निभाएंगे। कांग्रेस ने जारी की प्रतिज्ञा, कांग्रेस ने की प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी, कांग्रेस ने कहा सस्ते और अच्छे इलाज के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस की घोषणा, कोई भी हो बीमारी मुफ्त में होगा 10 लाख तक इलाज सरकारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना से मृतक लोगों के परिवारों की मदद का मामला। आर्थिक सहायता देने का फैसला देरी से हुआ, मायावती ने कहा अब तक आर्थिक मदद दे देनी चाहिए थी। ट्वीट में लिखा मदद बहुत जल्द मिल जानी चाहिए थी, मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना से मृतक लोगों के परिवारों की मदद का मामला। आर्थिक सहायता देने का फैसला देरी से हुआ, मायावती ने कहा अब तक आर्थिक मदद दे देनी चाहिए थी, मदद बहुत जल्द मिल जानी चाहिए थी, मायावती ने ट्वीट में लिखा। मायावती ने किया ट्वीट, कोरोना से मृतक लोगों के परिवारों की मदद का मामला। आर्थिक सहायता देने का फैसला देरी से हुआ, मायावती ने कहा अब तक आर्थिक। ट्रक में तार फंसने से गिरा पोल, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, ओवरलोड ट्रक में 11,000 लाइन का फंसा तार, पोल गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का बेजम CSC में चल रहा इलाज। नीमा कोतवाली क्षेत्र के लखीमपुर मैंगलगंज मार्ग की घटना, अछनिया गांव के पास ओवरलोड ट्रक का मामला, घायलों की हालत नाजुक देख बेहजम CSC जिला अस्पताल रेफर किया गया, पुलिस ने ट्रक को लिया कब्जे में, आरोपी फरार, ट्रक में तार फंसने से गिरा पोल, ओवरलोड ट्रक में 11,000 लाइन का तार फंसा, पोल गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का बेजब CSC में चल रहा इलाज। नीमा कोतवाली क्षेत्र के लखीमपुर मैंगलगंज का मामला, अछनिया गांव के पास ओवरलोड ट्रक का मामला। मां विंध्यवासिनी सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन, पीएम मोदी ने आज सिद्धार्थनगर में किया उद्घाटन, वर्चुअल माध्यम से किया गया उद्घाटन, 100 सीटों पर होगा महाविद्यालय में दाखिला। महाविद्यवासी सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने आज सिद्धार्थनगर में किया उद्घाटन, वर्चुअल माध्यम से किया गया कॉलेज का उद्घाटन, 100 सीटों पर होगा महाविद्यालय में दाखिला। महाविद्यवासिनी सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने आज सिद्धार्थनगर से किया उद्घाटन। आज सिद्धार्थनगर से कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, कई सौगातें दी गई हैं जनता को, जिसमें से एक ये भी है 100 सीटों पर महाविद्यालय में दाखिला होगा। एक नई पहल है, महाविद्यवासिनी सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने आज सिद्धार्थनगर से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया, वर्चुअल माध्यम से इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, 100 सीटों पर होगा महाविद्यालय में दाखिला। क्रिकेट प्रेमियों ने फूका विराट कोहली का पुतला, कानपुर से बड़ी खबर, टीम इंडिया की हार के बाद फूका गया पुतला, कोहली की खराब कप्तानी को बताया गया हार की वजह, कानपुर के लाल बंगला इलाके में फूका गया पुतला। क्रिकेट प्रेमियों ने फूका विराट कोहली का पुतला, टीम इंडिया की हार के बाद फूका गया पुतला, कोहली की खराब कप्तानी को बताया गया हार की वजह, कानपुर के लाल बंगला इलाके में फूका गया पुतला। भारत पाकिस्तान मैच के बाद क्रिकेट प्रेमियों में रोष देखने को मिला, टीम इंडिया की हार के बाद फूका गया कैप्टन का पुतला, कोहली की खराब कप्तानी को बताया गया पाकिस्तान से हार की वजह, कानपुर के लाल बंगला इलाके में फूका गया विराट कोहली का पुतला।